नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। लोकतंत्र के महापर्व में सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सहारनपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक लगभग 70% से अधिक वोट डाले गए। वोट डालने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां पहली बार वोट डालने वालों में भी उत्साह था, तो वहीं बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। एडीजी राजीव सबरवाल व जिला निर्वाचन अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मतदान का जायजा लेते नजर आए। जहां पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भाजपा की जीत तय होना बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद सहारनपुर में अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इमरान मसूद ने दावा किया कि भाजपा को प्रदेश में 100 से अधिक सीटें नहीं मिली। जनपद सहारनपुर में सपा का परचम लहराएगा, भाजपा 0 पर रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में लोग त्रस्त हैं। इस बार भी जिस प्रकार से 2017 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी थी, वही इस बार भी होने जा रहा है। आप देखिएगा, जब 10 तारीख को आंकड़े आएंगे आपके सामने, तो 300 पार आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। क्या है ये? नहीं, वोट तो जो 5 सालों में जो हमारी सरकार का कार्य रहा है और जिस प्रकार से भू माफियाओं को, गुंडों को, बदमाशों का हिसाब किताब सही रूप से किया गया है, तो निश्चित रूप से उस चक्र को चलाए रखने के लिए योगी सरकार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देवबंद हॉट सीट है जी, लेकिन इस बार लग रहा है कि कहीं डूब ना जाए यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम 7 सीटें जीतने वाले हैं इस बार, बल्कि रिकॉर्ड बनने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार हमारे जिले में 7 सीटें जीतने वाली है। एक अंडर करंट है, वो आपको 10 तारीख को ही पता चलेगा। माना जाता है धर्म सिंह सैनी जिस जिस पार्टी में जाते हैं उसी की सत्ता बन जाती है। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्यों, धर्म सिंह सैनी जी 2007 में जब बने थे विधायक, तो उनकी पार्टी की सरकार नहीं आई थी। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने को सुपरस्टिशंस वाली बातें हैं। लेकिन सच ये है कि इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को सराहा जा रहा है जनता द्वारा, और इसलिए पुनः उनको आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। वोट डालने की अपील कर रहे हैं? नहीं, तो वो तो देखिए है ही, हम तो नहीं, अब हम तो यही कहेंगे कि भाई जो राम को लाए हैं आप उनको लाइए, यही हमारा सबसे निवेदन। भाजपा के लिए विशेष महत्व रखता है खासकर सहारनपुर सीट? देखिए, सहारनपुर के अंदर हम लोग सारी की सारी सीटें जीतेंगे और भाजपा वालों को जवाब मिल जाएगा। यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस बार आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं यार, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा समय दे करके हम लोग चुनाव लड़ा सके। क्या यहाँ पर सहारनपुर की हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक सीट समाजवादी पार्टी की है? तीन की बात क्यों नहीं करते हो आप? हम 3 जीते थे और अभी 7-7 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हम सहारनपुर देहात विधानसभा के ग्राम मुगल माजरा में, हमारे साथ कुछ वोटर भी मौजूद हैं, जानते हैं किस मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे और कैसी सरकार चाहेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मुजीबुर रहमान जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप कैसी सरकार चाहेंगे और किस उसको लेकर चुनाव करेंगे? सबसे पहले हमारी ये चिंता है कि मौजूदा सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है, धर्मवाद पे काम कर रही है, और जिसका नुकसान यहाँ भाईचारा खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता तो ये है, इसको हमें ख़त्म करना होगा, समाजवाद यहाँ लाना होगा, और महंगाई चरम पर है, और मैं बेरोजगार नौजवान तबका सब पूरा बेरोजगार हो चुका, और व्यापार में सब घाटे हो गए, छोटी इंडस्ट्री, छोटे उद्योग सब लगभग बंद की कगार पर हैं। मजदूर किसान सब परेशान है। मजदूरों किसानों को लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हम तुम्हारी मान्यता मांग लेंगे, नहीं तो सब झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। किसान यूनियन कहीं से कहीं तक भी अभी संतुष्ट नहीं है। अभी पूरी जनता में ये रोष व्याप्त है कि बेरोजगारी, खाने को राशन नहीं, सांप्रदायिकता, नफरत की आग आज मौजूदा सरकार फैला रही है। इसका बदलना जरूरी है, 100% जरूरी है। समाजवाद लाने के बाद ही यहाँ शांति की व्यवस्था बनेगी। कानून व्यवस्था के बारे में योगी जी जो मुद्दा रखते हैं वो सब झूठ है, बजाय सुधार के और खराबी आती जा रही है। अखिलेश यादव जी, हम समझता हूं मैं कि वो समाजवाद को बहुत अच्छे तरीके से पिछले 5 साल की शासन में उन्होंने निभाया, और हम आशा करते हैं कि आज भी अखिलेश यादव जी की सरकार आए और सभी लोगों में इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा, बहुत अच्छे कानून व्यवस्था बदलेगी और अच्छे रोजगार की हम आशा है।
सरकार तो कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास किया है। नहीं, सबका विकास और सबका ये नहीं किया उन्होंने, बल्कि ध्रुवीकरण कर लिया धर्मवाद का। एक तिहरे एतवार से यहाँ कानून व्यवस्था है, किसी के लिए कानून कुछ है, किसी लिए कुछ है। किसी को कहते हैं ये स्कूल में ड्रेस धर्मवाद की होगी, और कोई भगवा पहन का आता है, कोई कड़ा पहन का आता है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, हाई कोर्ट को ये नहीं मानते, न्यायपालिका को इन्होंने सिरे से नकार दी गई। और पीछे देखा है कि लोगों के पास सरकारी संपत्ति के नोटिस भी इन्होंने ही दिए, और अपनी निर्णय भी इन्होंने कर दिया, न्यायपालिका को भी एक तरफ रख दी, जबकि न्यायपालिका वो सर्वोपरि होती है, सरकार जो है उसके अधीन होती है और पूरी जनता भी उसके अधीन होती है। लेकिन दूसरे राउंड का चुनाव शुरू हो गया है, हम मौजूद हैं सहारनपुर देहात विधानसभा के ब्लॉक कुंवारका में, जहां वोटर वोट डालने के लिए बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ वोटर भी मौजूद है, हम जानते हैं किसकी सरकार चाहेंगे और क्या मुद्दा रहेगा। जी, आपका नाम? संदीप। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, कैसी सरकार चाहेंगे? मुद्दे कुछ, हम तो योगी सरकार चाह रहे जी, और इसे ही चाहेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन हो रहा है? ना जी, गठबंधन तो गठबंधन तो ठगबंधन है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, कोई एक विकास तो बनवा दो, नहीं एक विकास तो बनवा दो कोई। हमारे नाम बदल दिया सरकार ने। कैसे बदल दिया? सड़कें जो हमने पास करी, हमारे यहाँ से अस्पताल बना था इसमें पीलागणी में, उसमें जब उसकी सरकार आई थी तो उसने अपना नाम रखवा दिया था वहाँ, इंदमौलाना करवा दिया। तो ये क्या तरीका है उसका? राम के नाम से ये तो काम, ये बताओ ये क्या किया उसने? किसान कह रहे हैं, कहने में हमें कई महीने तक बैठाए रखा सरकार ने, उसमें क्या करना चाहिए? किसान कौन था वहाँ? किसान तो था ही नहीं वहाँ, मेरे यहाँ का एक भी किसान नहीं दिखाया, तो यहाँ बहुत मेरे किसान, कम से कम भी एक भी किसान मेरे यहाँ का सहारनपुर के एरिया का कोई किसान नहीं। 500 रुपए दिहाड़ी वाले जनता रोड पे जो कोई किसान है, कम से कम भी मेरे यहाँ से राणा लोग इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं, एक भी एक किसान बता दो मुझे कि एक भी किसान है। योगी सरकार से खुश हो भाजी? बिल्कुल 100% खुश हैं जी योगी सरकार से। क्या क्या सरकार ने बहुत कुछ किया? ठीक है, खुश है अजी? बिल्कुल खुश। एक सबसे बड़ी बात है कि देखो गुंडागर्दी सबसे कम होगी, वरना हमारे यहाँ से ये आप ये देखता हो ना, यहाँ से गायें खुल गई, इधर से खुल गई गाय, आज इधर से रुक्का पटरा सरिया वाले आ गए, आज इधर से रुक्का पटरा सरिया वाले आ गए, आज कुछ नहीं आराम से सो रहे पड़े घर में, पड़े आराम से डंगर ही बंद कर रहे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा तुलसी पार्क के निकट शिवचौक मुजफ्फरनगर पर पुलवामा में शहीद हुए 44 बहादुर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती जलाकर वे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि पुलवामा में शहीद जवानों पर हुआ आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, जो एक कायरतापूर्ण कृत्य था जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों को आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये बड़ा दुखद हमला था, जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक प्री प्लान्ड होकर जो है ये हमला किया था, और उसमें हमारे जो है 44 सैनिक शहीद हुए थे, तो हम सब लोग बड़े दुखी मन से आज जो है अपने शहीद सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जो वहाँ पर पाकिस्तान द्वारा रची गई साजिश थी, जिसके तहत आतंकवादी भेजे गए थे, मैं समझता हूँ कि आतंकवाद का कश्मीर से और हिंदुस्तान से सफाया हो तो ही उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि भारत सरकार की होगी। और वो कार्य केंद्र सरकार द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल भी रहा है, लगातार केंद्र सरकार जो है आतंकवादियों का सफाया कर रही है, धारा 370 समाप्त होना और इस तरह की जो है घटनाओं पर रोक लगना एक बहुत बड़ी बात है, परंतु हम यही चाहेंगे कि पूरी तरीके से आतंकवादी घटनाएं समाप्त होनी चाहिए। और जो पुलवामा के शहीद हैं उन्हें मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन परिवार की ओर से और सभी जो है प्रदेशों की ओर से और मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी ओर से अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुख के इस पल में आप चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से, सभी
हिंदू जनता से और सभी लोगों से, हिंदुस्तान की जनता से यही अनुरोध करूँगा कि भाई ये जो वैलेंटाइन डे है ये ना मनाएं, ये हमारे लिए काला दिन है और हम लोगों ने जो दर्द सहा है, जो दर्द झेला है, वो पुलवामा हमले का बहुत बड़ा दर्द है। तो हम यही कहते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने जो वैलेंटाइन डे का विरोध करते थे, अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब वैलेंटाइन डे छोड़ दें और सभी लोग जो है पुलवामा के हमले। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों महिलाओं ने मोहल्ले में रहने वाली एक महिला और उसकी दो बेटियों के खिलाफ झगड़ा, गाली गलौच और गंदे काम करने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा और कार्यवाही की गुहार लगाई, जिसमें नजमा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह न्याजीपुरा के रहमानिया कॉलोनी मिमलाना रोड थाना नगर कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाले हैं। उनकी गली में मुमताज पत्नी निसार रहती है जो एक शातिर किस्म की महिला है और रोजाना गाली गलौच व झगड़ा करती है, जिससे पूरे गली का माहौल खराब हो चुका है और इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें मुमताज व उसका पति निसार आए दिन किसी न किसी गली में रहने वाले महिला पुरुष बच्चों के साथ गाली गलौच व झगड़ा करते हैं और दूसरे व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र देकर परेशान करते हैं। मैं भी गंदे आदमियों का आना जाना लगा रहता है सर। सर हमने 29-1 को भी एप्लीकेशन दी थी, उसका कुछ समाधान नहीं हुआ। कहाँ दी थी आपने? यहीं पे दी थी सर। अच्छा, क्या चाहते हो? सर हम उस औरत को अपने मोहल्ले से हटाना चाहते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना होता है? सर गंदे आदमी आते हैं वहाँ पे, रात दिन आना जाना लगा रहता है, हमारी बहु बेटियों पर गलत असर पड़ता है। सर चौकी से आते हैं पुलिस वाले और हमसे ही उल्टा हमें धोस देते हैं कि जो है ये तो यही रहेगी, पुलिस वाले मेरे हैं, मैं मेरा कुछ नहीं कर सकते। 4 साल हो गए सर। पहले भी शिकायत की उसकी? बहुत की सर, कुछ नहीं हो पाता उसका। अभी कहाँ आए हो? वहीं पे है। अभी कहाँ पर आए हो आप लोग? हम वरिष्ठ अधिकारी के पास आए हैं सर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के 9 जिलों में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जबकि उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना पुरकाजी से सटा हुआ यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान चला, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति गड़बड़ी न कर सके। पुलिस प्रशासन यूपी बॉर्डर पर मुस्तैद दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के सिकेड़ा थाना क्षेत्र के भंडूरा चौकी पर पहुंचे भारी संख्या में युवाओं ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने चौकी प्रभारी बीबी शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला और यहां पर सभी ने झंडा हाथों में लेकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और सभी ने मोमबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस की टक्कर से 3 साल बच्ची की मौत हो गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाने के पास शाहनवाज अपनी पत्नी शहनाज व 3 वर्षीय बच्ची को लेकर अपने घर वापस जा रहा था। शाहनवाज उस वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गया जब उसकी 3 साल की मासूम बच्ची शाहिना की भी मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार शाहनवाज अपनी पत्नी शहनाज को लेने ससुराल गया था, वापस लौटते समय रोडवेज बस ने बुरी तरह उन्हें कुचल दिया। परिवार में हुई पिता पुत्री की मौत से कोहराम मच गया। राह चलते ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, यहां पर घायल को जानसर चिकित्सालय भर्ती कराया गया। रविवार को सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल मीरापुर के स्पोर्ट्स अध्यापक हरी सैनी को हरिद्वार में आयोजित द्रोणा रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्सीलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के 11 राज्यों में से 195 सदस्य ने भाग लिया। प्रतिभागी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों से आए थे, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 5 कोचों को सम्मानित किया गया, जिनमें सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल के कोच हरी सैनी को भी विनोद कुमार वर्मा फाउंडर प्रेसिडेंट तथा सतीश कुमार स्पोर्ट्स फाउंडर ने सर्वश्रेष्ठ कोच के अवार्ड से सम्मानित किया।
सोमवार को मीरापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों के जमकर चालान काटे। इस दौरान मास्क न पहनने वालों को भी बख्शा नहीं गया। पुलिस ने 30 से अधिक वाहनों के चालान करते हुए नियमों के पालन करने की अपील की। चुनावी समय जोरों पर चल रहा है और ऐसे में कोविड के नियम और आचार संहिता के नियम का पालन कराना भी बेहद जरूरी है। इसके चलते मीरापुर पुलिस सड़क पर उतरी और SSI संजय राणा व BIT चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने मार्गों पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में बेसहारा पशु किसानों के लिए सरदर्द बन चुके हैं। वर्तमान में लावारिस पशुओं का झुंड किसान के गेहूं की फसल को चौपट कर रहा है। किसानों को रात दिन खेतों में बेसहारा पशुओं की रखवाली करने के लिए कड़ी ठंड में रुकना पड़ता है। कस्बा में देहात क्षेत्र में काफी संख्या में गौवंश के झुंड सड़कों व खेतों में बेसहारा घूम रहे हैं। देहात में पारिवारिक बंटवारे के कारण घर व घेर का आकार भी छोटा हो गया है। ऐसी हालत में खेती की जमीन व पशुओं के रखरखाव की जमीन कम होने के कारण किसान गौवंश को नहीं पालना चाहते। छोटे बछड़ों को देर रात के समय दूसरे गाँव में छोड़ दिया जाता है। कस्बा व देहात में बेसहारा गौवंश की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मारपीट कर एक युवक को घायल कर दिया गया। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर का है, जहां इंतजार ने तहरीर देकर बताया कि दोपहर के समय उसका पुत्र फरदीन घर के बाहर नाली साफ कर रहा था। आरोपी के गांव के ही शहजाद पुत्र कालू ने फरदीन के साथ गाली गलौज करते हुए डंडा मारकर उसका सर फोड़ दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि आए दिन उनके साथ बदतमीजी की जाती है और मारपीट करते हैं। मुजफ्फरनगर के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर चने नहीं देने का आरोप लगाया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर उन्हें पूरी यूनिट का राशन नहीं देता। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। शासन व प्रशासन की सख्ती के बाद भी राशन डीलर गरीबों के राशन को डकारने से बाज नहीं आ रहे। ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलर ग्रामीण को भयभीत कर उनके राशन को डकार रहे हैं। गाँव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी महिलाओं ने राशन डीलर पर चना नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिलाओं ने बताया कि सभी जगह राशन में गेहूं चावल रिफाइंड नमक चना दिया जा रहा है, लेकिन उनका राशन डीलर उन्हें चना नहीं दे रहा। ग्रामीण का आरोप है कि उक्त राशन डीलर ग्रामीण को पूरा राशन नहीं देता। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।